आज विश्व दिव्यांग दिवस है और हमारे लिए एक अवसर है कि हम जो दिव्यांग हैं उनके लिए जो सरकार द्वारा जो हमारे कार्यक्रम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ मिले। एक हमने शुरुआत की है, एक पहल की है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, सरकार की जिम्मेदारी भी है। मैंने तो आज कहा है, ये सबका हमारे जो भी हमारे सामाजिक संस्थाएँ हैं, जो हमारे सामाजिक सरोकारों से जिनका रिश्ता है, जो हमारे समाज सेवक हैं, जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और एक हमारा एक नैतिक धर्म, नैतिक दायित्व समझकर इसका हमने उनके लिए जो पात्र हैं, जिनको आज भी हक नहीं मिल पा रहा है, उसको जानकारी देना और उन तक उन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच पाना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा है, मुझे विश्वास है कि जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा, जैसे कि आपको मालूम है, पहले 7 श्रेणी थी दिव्यांगों की, अब इसे 19 कर दिया गया है। एसिड से हमले हो रहे हैं, उनको भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। और जो भी कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें उन पात्र व्यक्तियों को निश्चित रूप से लाभ मिले। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।